हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो भी अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर अप्लाई करने की सोच रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से वो अपनी मनचाही जॉब पाने का पहला हर्डल बहुत आसानी से ओवरकम कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं, वैसे ही हम अपनी ड्रीम जॉब को पाना चाहते हैं। हम उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। बस एक ही जुनून सिर पर सवार होता है, अपनी ड्रीम जॉब को पाना। जिंदगी के उस समय पर सिर्फ हमारा एक ही काम होता है और वो है वैकेंसी सर्च करना, चाहे वो न्यूज़पेपर कॉलम्स में हो या फिर इंटरनेट साइट्स पर। उसके बाद मेन काम होता है अपना बायोडाटा या रेज्यूमे तैयार करना और फिर जॉब्स के लिए अप्लाई करना और फिर इंतज़ार कि कब इंटरव्यू कॉल आएगा। इन सारी जद्दोजहद में हम ज़्यादातर कवर लेटर लगाना या तो भूल जाते हैं या फिर इसे ज़रूरी ही नहीं समझते। ये सोचते हैं कि इसे कौन पढ़ेगा, पर ये बात मन से निकाल दीजिए, 90% केसेस में ये पढ़ा जाता है और डिसाइडिंग फैक्टर भी होता है। अब कवर लेटर क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्या है? कवर लेटर एक पेज का डॉक्यूमेंट होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि उस पर्टिकुलर जॉब के लिए हज़ारों कैंडिडेट में से आपका रेज्यूमे आगे इंटरव्यूअर के पास शॉर्टलिस्टिंग के लिए फॉरवर्ड होगा कि सिर्फ फाइल्स में ही दबके रह जाएगा। तो ये एक एप्लीकेशन होती है जो आपके रेज्यूमे के साथ अटैच होती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि बहुत सारी बुक्स में से हम मैक्सिमम टाइम उसी बुक को पढ़ने के लिए सिलेक्ट करते हैं जिसका कवर अट्रैक्टिव होता है। बस वही काम आपके रेज्यूमे के साथ अटैच्ड कवर लेटर का होता है, जो कि आपकी ड्रीम जॉब पाने की पहली सीढ़ी है और आपको आपकी मंजिल के करीब लेकर जाती है। तो चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि कवर लेटर लगाना इतना ज़रूरी क्यों है, इसका पर्पस क्या है। इसकी इम्पोर्टेंस समझने के लिए ये समझिए कि इंटरव्यूअर अभी आपको इन पर्सन नहीं जानता। उस पर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन पेपर सिर्फ कवर लेटर से ही पड़ता है। इसी से एम्प्लॉयर कन्विंस होता है कि वाई यू शुड बी हायर्ड। आप उस जॉब के लिए बेस्ट सूटेड कैंडिडेट क्यों हैं? आप में ऐसा क्या है? आप दूसरों से बेटर क्यों हैं? ये सब कवर लेटर बताता है और अगर ये इम्प्रेसिव होगा तो आपके जॉब पाने के चांसेस भी इंक्रीज होंगे। तो ये कहना कि जॉब सिलेक्शन काफ़ी हद तक कवर लेटर पर डिपेंड करती है गलत नहीं होगा। तो कवर लेटर की इम्पोर्टेंस जानने के बाद चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। देखिए, आपका रिज्यूमे आपकी टेक्निकल स्किल्स को बताता है और कवर लेटर सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे कि आपके सॉफ्ट स्किल्स, आपकी एबिलिटीज, आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स दैट जॉब और यहाँ तक कि आपका इंटरेस्ट और मोटिवेशन रिलेटेड टू दैट जॉब को हाईलाइट करता है। ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके रिज्यूमे को पढ़ने के लिए एक एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट क्रिएट करता है और फिर ऑब्वियसली जॉब कॉल के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब ये जानते हैं हाउ टू राइट अ कवर लेटर। इसे लिखते हुए हमें कुछ डिटेल्स को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि इसका फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसका फॉन्ट स्पेसिफिक होना चाहिए, फॉन्ट साइज, नंबर ऑफ वर्ड्स एंड नंबर ऑफ पैराग्राफ्स का भी ध्यान रखना है और इसे एक पेज में ही लिखना है। फिर इसे सिंपल, शॉर्ट और प्रिसाइज रखने की कोशिश करें, कन्विंसिंग की पॉइंट्स इंक्लूड करें और फॉर्मेट को भी स्पेसिफिक रखें। अब इस लेटर फॉर्मेट में इनिशियली आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे कि आपका फुल नेम, आपका ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर। ये सारी चीज़ें आप सेपरेट लाइंस में लिखेंगे। फिर उसके बाद आप स्पेस देकर करंट डेट लिखेंगे। करंट डेट लिखने के बाद आप हायरिंग मैनेजर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में आप ये लिखेंगे कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग्स देंगे, जिसमें आप लिखेंगे डियर मिस्टर या मिस, जो भी हायरिंग मैनेजर का नाम है। नाम सर्च करने के लिए आप नेट पर एक्सटेंसिव रिसर्च कर सकते हैं उस कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। अगर आपको नाम नहीं पता चलता तो आप लिख सकते हैं डियर सर या फिर डियर मैडम। अब इसके बाद आप लेटर को तीन पैराग्राफ्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन देंगे और उसका जॉब टाइटल बताएंगे और कहाँ से आपने उस जॉब के बारे में सुना है वो बताएंगे। सेकंड पैराग्राफ में आप मोटिवेशन बताएंगे, उस जॉब अपॉर्चुनिटी की आपको कहाँ से मिली, फिर व्हाट ऑल क्वालिटीज़ यू हैव ऑन विच यू आर कॉन्फिडेंट एंड
एंड यू विल टेल अबाउट योर स्किल्स एंड हैंडलिंग सिचुएशंस और उसको सपोर्ट करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस के साथ। जो थर्ड पैराग्राफ होगा वो होगा क्लोजिंग पैराग्राफ और उसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एन अपॉर्चुनिटी फॉर एन इंटरव्यू, यू कैन फाइंड माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स बिलो। उसके बाद आप लिखेंगे बेस्ट रिगार्ड्स एंड फिर योर नेम और फिर आप उसको साइन करेंगे पर्सनली स्पेशली विद अ ब्लू पेन। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने कवर लेटर को लाइटली नहीं लेंगे और इसे बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप भी अपनी ड्रीम जॉब पा सकें। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहें जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने में मदद करें। थैंक यू।